हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि टैली की पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि जीएसटी परचेज अदर स्टेट में, ठीक है। हम लोग ने अभी तक क्या देख लिया है, जीएसटी का परचेज, गुड्स परचेज विद जीएसटी अदर स्टेट और सेम स्टेट। आज हम लोग देखेंगे गुड सोल्ड विद जीएसटी सेम स्टेट, ठीक है। तो उसके लिए हम आइटम बना ले, स्टॉक आइटम हमारे पास गोडाउन में रहेगा तभी हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। और वो पार्टी बना ले जिसे हमें सेल करना है, जो कि सन्ड्री डेटर होगा। तो वो सब आप लोग बना लेंगे, वो सब सिखाया गया है पिछली क्लास में आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और हमें सोल्ड करना है, सेल करना है। सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे, ठीक है। सेल में आ गए, अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दीजिए, इंटर करेंगे पार्टी। पार्टी हमने XYZ बनाई है, इंटर कंट्रोल ए, यहाँ पे सेल्स का लेजर ले लेंगे। अब स्टॉक आइटम देखिए हमने पहले से बना रखे हैं, तो वो सब स्टॉक आइटम ले लेंगे। स्पीकर हमने 100 पीस बेच दिया, ठीक है। रेट हमारा बेचने का है 2000, ठीक है। फिर हम ले लेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड हमने बेच दिया है 175, 1000 रुपये का। फिर हमारा हो जाएगा मॉनिटर, मॉनिटर हमने बेच दिया है 150, 5000 के रेट से। और फिर हमारा हो जाएगा माउस, माउस हमने बेच दिया 100 पीस, 750 के रेट से, ठीक है। इसके बाद जैसा कि आप लोग को बताया गया था, यहाँ से 2 बार इंटर करेंगे और लेजर मोड में आ जाएंगे। तो अब सेम स्टेट है तो क्या लगेगा, CGST और SGST, ठीक है दोस्तों। SGST, देखिए आपका CGST SGST दोनों आ गया। और देखने के लिए कि टैक्स हर आइटम पे कटा है कि नहीं, हम क्या करेंगे, ऑल्ट ए और फिर ऑल्ट F1। अब देख लीजिए हर आइटम पे, स्पीकर पे 9-9%, यहाँ पे कीबोर्ड पे 14-14%, क्योंकि 28% था, ठीक है दोस्तों। माउस पे और आपके मॉनिटर पे, सब पे टैक्स कटा हुआ है। स्किप करेंगे, बैक आ जाएंगे, फिर इंटर करके इंटर और सेव। सेव करने से पहले नरेशन लिख लेंगे, बीइंग बीइंग गुड्स सोल्ड टू, बीइंग गुड्स सोल्ड टू XYZ, ठीक है। इसके बाद इसको सेव करा लेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, परचेज में परचेज करने के बाद पेमेंट करते थे, सेल में क्या करेंगे, सेल करने के बाद रिसिप्ट करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो पैसे मिलेंगे तो हम इसके लिए F6 प्रेस कर लेंगे, F6, ठीक है। अकाउंट हमें कैश मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा 50,000 हमारा बैलेंस दिख रहा है और 50,000 से बढ़ जाएगा। तो किससे हमें पैसे लेने हैं, XYZ से, कितने लेने हैं, 14,29,000, 14,29,000, ठीक है। उसका बैलेंस 0 हो गया, उसने हमें पेमेंट कर दिया और हमारा बैलेंस उसने से बढ़ गया। इंटर, अब क्या लिख देंगे, बीइंग मनी या मनी की जगह कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड, और सेव करा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एंट्री हो गई सेम स्टेट में सेल करने की, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेट में सेल करने की। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।